अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूख खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मेक श्योर यू ऑल हैव सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडेज टॉपिक इज बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर 4 बुक एक्सरसाइज एमसीक्यूज। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है कि द क्लोरोफिल ए इज मोस्ट आइडेंटिकल टू क्लोरोफिल बी बट स्लाइट स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन देम इज इनफ टू गिव। अच्छा, इसका जो है ना क्या कहा हुआ है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंस थोड़ा सा जो है ना वो मतलब स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास डिफरेंट होता है। तो किस वजह से होता है? क्योंकि हमारे पास ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है ना दोनों का हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास क्लोरोफिल ए जो है वो कलर जो है वो अलग एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल बी अलग करता है। क्लोरोफिल ए जो है ना वो हमारे पास एब्जॉर्ब करता है ऑरेंज और वॉयलेट कलर, जबकि हम अगर बात करें क्लोरोफिल बी की तो वो हमारे पास एब्जॉर्ब करता है ब्लू कलर और येलो कलर। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ऑप्शन बी है, सही है। अब जो है ना वो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है। क्लोरोफिल इज ऑर्गेनाइज अलॉन्ग विद अदर मॉलिक्यूल्स इन टू फोटो सिस्टम विच हैज़ लाइट गैदरिंग। अच्छा, मैंने आप लोगों को फोटो सिस्टम का बताया था कि हमारे पास जो है ना वो फोटो सिस्टम होता है, उसमें रिएक्शन सेंटर भी होता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो आपको याद होगा कि हमारे पास जो है ना वो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें लाइट जो है वो गैदर करती है। क्या होता है कि क्लोरोफिल जो है वो सारे मॉलिक्यूल्स के साथ फोटो सिस्टम में एक जगह जो है वो क्या होते हैं कि एक जगह गैदर हो जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं। तो वो जो है ना वो एंटीना कॉम्प्लेक्स कहलाता है कि एंटीना कॉम्प्लेक्स में हमारे पास जो है वो क्लोरोफिल जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है अदर मॉलिक्यूल्स इनटू फोटो सिस्टम जिसमें लाइट गैदरिंग होती है। अब हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 3 है कि स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो है ना वो आपके मॉडल पेपर में भी एमसीक्यूज आया हुआ है। इसमें जो है ना असल बात क्या है कि ये आपकी बुक में नहीं है, ये पहली क्या है जो हमारे पास पहली सिंध बोर्ड की बुक थी उसमें है। तो इसमें हमारे पास बताया था कि हमारे पास जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। उसमें हमारे पास कहा था कि एक होता है अप्रेस्ड और एक होता है नॉन अप्रेस्ड, मतलब नॉन अप्रेस्ड नॉन स्टैक कहलाता है और अप्रेस पार्ट जो है वो हमारे पास स्टैक पार्ट कहलाता है। तो क्या होता है हमारे पास कि ना क्या है ये जो है ना ये यूं करके आपको पता होगा कि हमारे पास जो है ना वो थैलेकोइड मिलके ग्रैना बनाते हैं, सही है, थैलेकोइड मिलके ग्रैना बनाते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या है कि नॉन अप्रेस और नॉन स्टैक जो है ना जो हमारे पास ये देखें ये दोनों मिल रहे हैं ऐसे जो मिलते जाएंगे ना ये अप्रेस कहलाते हैं, ये स्टैक कहलाते हैं। लेकिन ये जो नहीं मिल रहा है ना ये हमारे पास नॉन अप्रेस नॉन स्टैक कहलाते हैं। और इसमें हमारे पास फोटो सिस्टम 1 होता है, सही है, और हमारे पास ATP होता है, फोटो सिस्टम 1 और ATP होता है, जबकि हमारे पास स्टैक और अप्रेस जो है ना NADPH2 होता है। तो हमारे पास जो है ना यहाँ ATP दिया हुआ है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब हमारे पास जो है ना MCQ नंबर 4 है कि द लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर टू NADP+ कपल टू ATP सिंथेसिस। मैंने आपको बताया था जब मैंने लाइट रिएक्शन करवाया था तो एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन होती है और एक नॉन साइक्लिक होती है। ये हमारे पास जो है ना वो नॉन साइक्लिक होगी, क्यों? क्योंकि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन होती है ना उसमें सिर्फ ATP होती है, उसमें NADPH नहीं होता। लेकिन इसमें हमारे पास कहा हुआ है कि NADP से कपल होता है ATP सिंथेसिस में, तो वो हमारे पास नॉन साइक्लिक होती है। नॉन साइक्लिक में क्या कि वो वापस नहीं आता, जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो वापस चेन में नहीं आता। तो वो जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वो हमारे पास जो है ना वो साइक्लिक में होता है और साइक्लिक में NADP नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो ना यूं करके साइकिल होती है और उसमें सिर्फ और सिर्फ ATP कपल होता है साइक्लिक में, ये नॉन साइक्लिक है। करेक्ट ऑप्शन बी है हमारे पास। हमारे पास MCQ नंबर 5 है कि द इंटरमीडिएट कार्बन फिक्सिंग कंपाउंड इज अ मेंबर ऑफ ग्रास फैमिली टू पास CO2 टू केल्विन साइकिल इज। अच्छा, इसका जो है ना वो ऑप्शन बी है। इसमें क्या होता है हमारे पास ग्रास फैमिली में ना कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में नहीं होती, इंटरमीडिएट एक कंपाउंड बनता है। तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास PEP फॉस्फोइनल पैरोवेट से कंबाइन होता है और फिर हमारे पास एक जो है वो इंटरमीडिएट कार्बन फिक्सिंग कंपाउंड बनाता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और ये हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, फिर हमारे पास केल्विन साइकिल में डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। अब हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 6 है कि द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट फॉर्म। अच्छा, ये हमारे पास क्रैब साइकिल में है। क्रैब साइकिल में अगर हम आइसोसाइट्रेट फॉर्म की जो है ना वो डीकार्बोक्सिलेशन करा दें, लाइक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करा दें, तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है और वो कंपाउंड होता है अल्फा कीटो ग्लिटरेट।
हमारे पास जो है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्रैप साइकिल में ये बनता है पूरा जो है ना वो आपकी साइकिल दी हुई है। तो साइकिल में आपको करना होगा कि इसकी जो है वो कार्बोक्सिलेशन और किससे क्या बनता है। तो ये याद रखिएगा कि आइसोसाइट्रेट की डी ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन से हमारे पास जो है वो अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनता है। हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 7 है कि हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन क्रैप साइकिल व्हेन वन ग्लूकोज इज कंज्यूम। आपको ये पता होना चाहिए कि एक पूरे वन मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का होता है वो कंज्यूम होने के लिए दो क्रैप साइकिल होती हैं। सही है, दो क्रैप साइकिल होती हैं। आपको ये भी पता होगा कि एक क्रैप साइकिल में हमारे पास एक एटीपी फॉर्म होता है और हमारे पास जो है ना वो NADPH2 3 होते हैं, FADH2 भी होते हैं। तो असल में क्या होगा कि जब हमारे पास वन ग्लूकोज पूरा कंज्यूम हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो क्रैप साइकिल दो होंगी। ये सबसे बड़ी इसकी की ट्रिक है, की पॉइंट है कि हमारे पास एक वन ग्लूकोज को कंज्यूम करने के लिए दो क्रैप साइकिल होती हैं। तो जब एक क्रैप साइकिल में एक एटीपी बन रहा था तो दो क्रैप साइकिल जब होंगी तो हमारे पास दो एटीपी बनेगा। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी है। अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 8 है कि द एंजाइम इन्वॉल्व ड्यूरिंग कार्बोक्सिलेशन। आपको पता होगा कि हमारे पास जब मैंने डार्क रिएक्शन करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि दो एंजाइम होते हैं, जिसको हम कहते हैं रुबिस्को, मतलब रुबिस्को उसमें क्या होता है कि वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलेज भी कहलाता है और हमारे पास ऑक्सीजनेज भी कहलाता है। यहाँ कार्बोक्सिलेशन कहा हुआ है तो कार्बोक्सिलेज होगा। अगर हमारे पास यहाँ कह देते कि फोटो रेस्पायरेशन में कौन सा एंजाइम होता है तो वो हम ऑक्सीजनेज करवाते। जब मैंने आपको कहा था कि स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है शॉर्टेज हो जाती है और ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि रुबिस्को जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो फिर फोटो रेस्पायरेशन में ऑक्सीजनेज होता। लेकिन अब कार्बोक्सिलेशन का बताया हुआ केल्विन साइकिल में कार्बोक्सिलेशन में हमारे पास रुबिस्को कार्बोक्सिलेज यूज़ होता है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी है। अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 9 है कि द ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पायरेशन इज इन्वॉल्व डायरेक्टली इन विच प्रोसेस और इवेंट्स। ये भी आपके मॉडल पेपर में आया था एमसीक्यूज, और इसमें आप याद रखिएगा कि क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ना कंज्यूम होते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन में, वो इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली इस प्रोसेस में, मतलब एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है ना सेलुलर रेस्पायरेशन में, जो भी ऑक्सीजन कंज्यूम होंगी वो डायरेक्टली जो है ना वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी है। अब जो है ना वो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर फेड इनटू द साइट्रिक एसिड साइकिल एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट। पाइरूवेट का आपको याद होना चाहिए कि इस ईयर एमडी कैट में अभी पूछा था कि पाइरूवेट कितना हमारे पास जो है ना कितने कार्बन होते हैं, कितने कार्बन कंपाउंड है। तो याद रखिएगा कि पाइरूवेट में 3 कार्बन होते हैं। सही है, अब कार्बन जो है ना आपको पता होगा कि ये जो है ना वो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में बनता है पाइरूवेट, और कितने बनते हैं, 2 पाइरूवेट बनते हैं। तो याद रखिएगा कि पाइरूवेट जो है ना जो ग्लाइकोलाइसिस में जो कंपाउंड बना है वो डायरेक्टली क्रैप साइकिल में नहीं जा सकता। पाइरूवेट को जो है ना वो दूसरे कंपाउंड में एक जगह जो है ना वो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाना पड़ेगा और फिर वो क्रैप साइकिल में इन्वॉल्व होगा। तो पाइरूवेट क्या बनाता है, पाइरूवेट जो है ना वो एसिटाइल को ए बनाता है। अब एसिटाइल को ए जो है ना वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है। सही है, 2 कार्बन कंपाउंड है और एक क्या बनता है, एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है केल्विन साइकिल में, जो डार्क साइकिल होती है केल्विन बेंसन साइकिल इसको हम कहते हैं। तो याद रखें कि साइट्रिक एसिड साइकिल किसको कहते हैं, क्रैप साइकिल को कहते हैं, और एक और साइकिल कहते हैं TCA साइकिल कहते हैं। साइट्रिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला जो हमारे पास कंपाउंड होता है ना क्रैप साइकिल का वो साइट्रिक एसिड होता है, तो इसलिए हम इसको साइट्रिक एसिड भी कहते हैं। और हमारे पास TCA साइकिल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है कंपाउंड होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो असल में क्या, मैं ये बता रही थी कि हाँ पाइरूवेट जो है ना वो बना है तो एसिटाइल को 2 कंपाउंड है। अब यहाँ कहा है 1 मॉलिक्यूल, तो मतलब ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पाइरूवेट का, तो एक मॉलिक्यूल से जब 2 बन रहे थे तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल से 4 बनेंगे, लेकिन इन्होंने जब क्लियर कर दिया कि 1 मॉलिक्यूल, अगर यहाँ 2 होता तो हम क्या करते हैं, हम 4 बताते कि कार्बन एटम कितने साइट्रिक एसिड टर्म में जाते हैं, मतलब कार्बोनाइल को पूछ रहे, सीधा सीधा आपसे पूछ रहे हैं कि एसिटाइल को कितना है हमारे पास, क्योंकि साइट्रिक एसिड में एसिटाइल को के जरिए हमारे पास कार्बन जाते हैं। तो हमारे पास जो है ना आपको पता है, बस कीवर्ड देखना है कि आपके वन मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट एसिटाइल को में बनता है 2 कार्बन कंपाउंड, सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास 2 हो जाएगा। सही है, सो दैट्स इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस MCQs सो लेट मी नो, इंशाल्लाह आई विल टेल यू एंड सॉल्व योर क्वेरी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। अल्लाह हाफिज़ एंड ऑल द बेस्ट।